बाहुबली प्रभास को करण जौहर से क्यों है नफरत? बेहद शर्मीले फिल्म बाहुबली के एक्टर प्रभास आखिर करण जौहर से नफरत क्यों करने लगे? एक दौर था जब दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमेशा मुस्कुराने वाले प्रभास करण जौहर से नाराज हो गए और उनसे किनारा कर लिया? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करण की गप्पेबाजी के शो कॉफी विद करण में आए प्रभास और करण भले ही अच्छे दोस्त दिख रहे थे, लेकिन इससे पहले करण प्रभास की बॉलीवुड में एंट्री के वक्त काफी रायता फैला चुके थे। नाराज प्रभास को शो पर लाने के लिए उन्हें काफी पापड़ बेलने पड़े थे। प्रभास उनके शो पर आ तो गए, लेकिन एक बार फिर करण ने उन्हें नाराज कर दिया और इस बार फिर वजह बना करण का गॉसिप बिजनेस। प्राउड से खुद को फिल्म मेकर कहने वाले करण का ट्रैक रिकॉर्ड तो सिर्फ गॉसिपबाजी की तरफ ही इशारा कर रहा है और कुछ ऐसा ही उन्होंने प्रभास को अपने शो पर बुलाकर किया। Prabhas, is it true you've never been on a television show before? Beta, you watch me in movies. इतना ही नहीं, करण अपने फालतू सवालों को पूछते पूछते कई बार लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और उन्हें इसका ख्याल भी नहीं रहता कि उनके कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले सवाल किसी की इमेज को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। और प्रभास के साथ तो वो बार बार ऐसा करने की हिमाकत कर चुके हैं। प्रभास साउथ के ही पॉपुलर एक्टर नहीं है बल्कि बॉलीवुड में भी उनका अच्छा खासा नाम है। बाहुबली करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस की थी। चूंकि फिल्म 5 साल में बनकर तैयार हुई तो फिल्म के एक्टर अनुष्का शर्मा और प्रभास की अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीच की केमिस्ट्री फैंस को बहुत पसंद थी और इसी का फायदा उठाते हुए करण जौहर ने झूठे रूमर्स फैलाना शुरू कर दिया ताकि बाहुबली चर्चा में रहे और फिल्म अच्छा बिजनेस कर सके। फिल्म इंडस्ट्री कैसे काम करती है इसके लिए करण जौहर को स्टडी करना चाहिए। एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान उसे हाइप देने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। फिल्म के एक्टर्स की पर्सनल लाइफ को फैंस के सामने मसाला लगाकर गॉसिप करने के लिए परोस दिया जाता है। Both are single? I'm single. Not dating anyone, Prabhas. No. All these rumors of you dating Anushka were true or not? If anyone works for 2 years, there's really little link up with them. Yeah, but you are not dating her. No. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाहुबली प्रभास की पहली बॉलीवुड फिल्म थी, इसीलिए करण फिल्म को चर्चा में बनाए रखना चाहते थे और इस काम में उनकी पीआर टीम भी पूरी शिद्दत से भिड़ी हुई थी। प्रभास और अनुष्का शेट्टी के बीच लव एंगल से लेकर शादी तक की गॉसिप मार्केट में फैला दी गई। माना कि फिल्म को पब्लिसिटी की जरूरत होती है, लेकिन पब्लिसिटी और फॉल्स रूमर फैलाकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में अंतर है। लेकिन हद तो तब हो गई जब करण जौहर ने ये सब बगैर प्रभास के कंसेंट के किया। करण जौहर के इस रवैये पर प्रभास ने न सिर्फ उन्हें जमकर लताड़ा बल्कि करण को हिदायत दी कि ये सब करने से पहले उन्हें कम से कम अनुष्का शेट्टी की रेपुटेशन के बारे में तो सोचना चाहिए था। नाराज प्रभास ने फिल्म की पब्लिसिटी के लिए अपनाए गए गलत तरीके पर सवाल उठाए और करण के साथ दोबारा काम न करने का फैसला कर लिया। पर करण जौहर कहां सुधरने वाले हैं, बल्कि उन्होंने तो एक बार फिर उसी गलती को दोहरा दिया और उनके कॉफी शो पर आए प्रभास से एक बार फिर पूछ लिया। Both are single? I'm single. Not dating anyone, Prabhas. No. All these rumors of you dating Anushka were true or not? If anyone works for 2 years, there's really little link up with them. Yeah, but you are not dating her. No. अब तो पानी सिर के ऊपर जा चुका था। प्रभास ने करण जौहर की गंदी सोच को पब्लिक में जाकर बताने की धमकी दी, लेकिन करण जौहर इंडस्ट्री के खिलाड़ी हैं। उन्होंने मामले को संभालते हुए प्रभास से माफी मांग ली और मामले को रफा दफा कर दिया। करण ने अपनी फिल्म की कमाई के लिए जो किया उसे सही ठहराया जा सकता है क्या? फिल्मी दुनिया से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।